नीलकंठ धाम घटवास में 5 दिवसीय हनुमंत महायज्ञ का आयोजन के साथ समापन हो गया। जिले का एक बड़ा आयोजन सूत्रधार आचार्य पंडित दिनेश जी व्यास के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें विशाल 9 मंजिला यज्ञशाला में 108 कुंडीय श्री हनुमंत महायज्ञ, जिसमें 108 जोड़ों ने आहुतियां प्रदान कर 125 डिब्बे शुद्ध गाय का देसी घी का उपयोग किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। महायज्ञ के लिए 9 प्रदान कुंड बनाए गए थे, जिन पर घी के घड़े टांग कर उसमें निकाली धार से आहुतियां दी गई। नानी बाई का मायरा, खाटू श्याम भजन संध्या, मीरा चरित्र, तेजाजी कथा आयोजन, रामचरित मानस प्रवचन राष्ट्रीय कथा वाचकों द्वारा संपन्न किए गए। अंतिम दिन देश प्रदेश से आए संतों महात्माओं का सम्मेलन सम्पन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद गुमान सिंह डामोर थे, जिन्होंने सभी संत महात्माओं पंडित दिनेश व्यास के साथ पुष्पमालाएं पहनाकर सम्मान आशीर्वाद लिया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विधायक दिलीप मकवाना आयोजन में पहुंचे व संतों का आशीर्वाद लेकर कार्यक्रम को संबोधित किया। सैकड़ों ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म प्रेमी जनता ने महायज्ञ में हिस्सा लिया। अंत में महाप्रसादी आयोजित की गई, जिसमें हजारों ने प्रसादी भोजन के रूप में ग्रहण की है। ये जो आज घटवास में नीलकंठ धाम में धार्मिक कार्यक्रम होने जा रहा है, 108 कुंडी महायज्ञ और नानी बाई का मायरा भरा जा रहा है, उस कार्यक्रम में धार्मिक लाभ लेने के लिए हमारे राष्ट्रीय महासचिव सम्मानीय श्री केलाजी विजयवर्गीय जी, शहर विधायक चैतन्य कश्यप साहब और भारतीय जनता पार्टी संगठन के प्रभारी सम्मान श्री प्रदीप जी पांडे साहब, जिला अध्यक्ष राजन सिंह जी धनेरा साहब और पार्टी के अध्यक्ष अशोक जी अग्रवाल जी और हमारे बैरागी जी, जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है, ऐसे कई सभी राजनीतिक हस्तियाँ यहाँ आई है धर्म लाभ लेने के लिए। और निश्चित रूप से यहाँ धर्म के साथ साथ हमारे जो श्रद्धालु आए उनके भी दर्शन के लाभ मिले और बहुत अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है और आज उसका समापन भी लगातार मैं पहले भी आ चुका हूँ। आज भी मिशन बहुत अच्छा स्थान है, जो धर्म से सारे क्षेत्र के लोग जुड़े हुए आज सभी आए हैं और हमारे केला जी विजयवर्गीय जी भी उसी के तहत ही आए हुए हैं। रतलाम में उनका एक कार्यक्रम भी है, लेकिन उससे पहले वो रतलाम में उपवास में नीलकंठ धाम में पधार कर जो है धर्म का लाभ लिया और अपने उद्बोधन से जनता को आशीर्वचन दिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो नीलकंठ धाम घटवास में 5 दिवसीय हनुमंत महायज्ञ का आयोजन के साथ समापन हो गया। जिले का एक बड़ा आयोजन सूत्रधार आचार्य पंडित दिनेश जी व्यास के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें विशाल 9 मंजिला यज्ञशाला में 108 कुंडीय श्री हनुमंत महायज्ञ, जिसमें 108 जोड़ों ने आहुतियां प्रदान कर 125 डिब्बे शुद्ध गाय का देसी घी का उपयोग किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, रतलाम।